गुजरात और गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में कोरोना से हाल बेहाल हैं। गिरीश मालवी अपने एक लेख में लिखते हैं, गुजरात में 182 मौतें सिर्फ पिछले 6 दिनों में हुई हैं, मतलब कुल मौतों की 46% मौतें पिछले 6 दिनों में हुई। मृत्यु का आंकड़ा 6 मई को 396 तक पहुंच गया और केंद्र सरकार और मीडिया का सारा ध्यान बंगाल पर लगा हुआ था। यदि आपने पिछले कुछ दिनों से टीवी चैनलों की खबरें ध्यान से देखी हो तो आप पाएंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी की कोरोना से निपटने की विफलता को खूब हाईलाइट किया गया। वहीं उसके बनिस्बत गुजरात और अहमदाबाद की कोई बात तक करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जैसे ही वहां की बात होगी लोगों को नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की याद आ जाएगी। अहमदाबाद के हालात यह हैं कि कई मरीज अस्पताल आने के 30 मिनट के अंदर ही दम तोड़ दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि दवा और दूध को छोड़कर क्षेत्र में सभी दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगर आप इससे संबंधित खबरें तलाशेंगे तो सभी में इसका जिम्मेदार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ठहराया जा रहा है। आज तक लिखा जा रहा है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले के बाद जिले के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए और लोगों की भारी भीड़ दुकानों पर जमा हो गई। लोग सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। न्यूज वेबसाइट ऐसा पेश कर रही है कि जैसे सारी गलती अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है और राज्य की बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार की कोई गलती नहीं। न्यूज चैनल बता रहे हैं कि होम डिलीवरी, स्विगी और जोमैटो जैसी सेवाओं पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन वो ये बताएं कि अब तक ये सर्विसेज चालू कैसे थीं। अहमदाबाद के हालात इतने खराब हैं कि यह शहर बुरी तरह कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। यहां अब तक कोरोना के 4761 मरीज सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में संक्रमण की दर राष्ट्रीय दर से दुगनी से भी ज्यादा है। शहर में लगभग 20,000 लोग क्वारंटीन हैं, जबकि 298 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के 1,000 बेड की क्षमता वाले 9 प्राइवेट अस्पतालों को भी टेक ओवर कर लिया गया है। सभी प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम और अस्पतालों को नोटिस देकर अगले 48 घंटे में खोलने का आदेश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, यह भी आदेश दिया गया है। गुजरात के कुल केस में से 70% अकेले अहमदाबाद में दर्ज हुए हैं। वहां लगभग कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए शहर में पैरामिलिट्री के जवानों को उतार दिया गया है। अहमदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की 38 कंपनियां सड़कों पर गश्त कर रही हैं। इनमें 4 BSF और 1 CISF की कंपनी केंद्र की ओर से भेजी गई है। हालात इतने खराब हैं कि एम्स से 3 विशेषज्ञ जल्दी एक विशेष विमान से अहमदाबाद भेजने की तैयारी है। गुजरात को इस बुरी हालत में पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार की होनी चाहिए।